गुजी पर। और एक वीडियो मैंने डाली थी अकाउंट्स की, कि अकाउंट्स में जो टॉपर्स होते हैं हमारे, या जो अगर आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपना आंसर है या फिर आंसर शीट है उसे कैसे कैसे प्रेजेंट करनी है, तो वही मैं आज बताने वाला हूँ। बिजनेस को लेकर, बिजनेस को लेकर एक ही क्वेरी आ रही है, सर याद सब कुछ कर लिया, समझ में नहीं आ रहा क्या करें आगे, केस स्टडी सॉल्व नहीं हो रही, पेपर कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो मैंने लगभग लगभग केस स्टडी के समझाने के लिए 2 से 3 वीडियो डाली हैं, उसमें बताया मैंने कि आपको केस स्टडी कैसे कैसे करनी है। तो अभी मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए, जो आपका पेपर आएगा उसको आपको कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, आपके क्वेश्चन जो पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर में, उसमें कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट होंगे। डायरेक्ट यानी कि आपसे पूछ सकता है, वॉट इज लिमिटेशन बताइए, एक्सप्लेन द फीचर्स, एक्सप्लेन द लिमिटेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो विदाउट केस स्टडी आएंगे आपके। तो शुरुआत में आपको 30 से 40 मिनट उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 30 से 40 मिनट भी आई थॉट मैंने ज्यादा दे दिया, क्योंकि हो सकता है 4 से 5, लगभग 4 से 5 या 6 क्वेश्चन आपके ऐसे आए जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो शुरुआत के जो 30 से 40 मिनट है वो आपको यहां देने हैं। उसके बाद लगातार अगर आपकी केस स्टडी ज्यादा है, के आपको ये देखना है केस स्टडी का वेटेज कितना है, केस स्टडी का जो वेटेज है उसको आपको 1.5 से 2 घंटा देना है। क्यों? क्योंकि केस स्टडी एक थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस पड़ जाती है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, फिर समझ में आएगा। तो मैं देखो दोबारा बताऊंगा कि केस स्टडी को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, केस स्टडी आपको कैसे करनी है। सबसे पहली बात, केस स्टडी को कभी शुरू से नहीं पढ़ना, केस स्टडी को आपको पढ़ना है सबसे लास्ट पॉइंट से, यानी कि सबसे लास्ट में जो दे रखा होता है ना कि आपको ये बताना है, वहां से पढ़ना है। वहां से पढ़ोगे तो क्या होगा बेटा, कि आप डायरेक्टली उस चैप्टर पर पहुंचोगे कि यहाँ केस स्टडी किस चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे क्वेश्चन में दिखाया है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान विच इज रिप्रेजेंट हियर, यानी कि यहाँ पे किस टाइप ऑफ प्लान की बात हो रही है। तो यहीं से आप समझ गए सबसे लास्ट में कि ये किस चैप्टर से रिलेटेड है, प्लानिंग के चैप्टर से रिलेटेड। अब जैसे ही आप सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ोगे केस स्टडी की, आपके माइंड में वो चैप्टर आ जाएगा कि हाँ सर, कि ये उस चैप्टर से रिलेटेड। अब आप उस चैप्टर में अपने आप पहुंच गए। तो जब आप केस स्टडी पढ़ेंगे, एक लाइन पढ़ते जाएंगे, आपके माइंड में आता जाएगा कि ये क्या, किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है ना। तो आपके माइंड में 2 आंसर आएंगे, हो सकता है आपका दिल कहे कि यार इसका आंसर ये है, और हो सकता है एक और कहे यार शायद ये भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एक बार केस स्टडी दोबारा से सॉल्व करनी है, पढ़नी है, उसके बाद सही आंसर को चूज करना है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी आपके वन वर्ड वाले मार्क्स हैं, वन वर्ड वाले जो क्वेश्चंस आएंगे, लास्ट का टाइम जो बचेगा आपको वन मार्क्स वाले जो 20 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, वन वर्ड वाले भी होंगे, उनका जो वन वर्ड वाली बात है, उन्हें आंसर आप कोशिश करना वन वर्ड में ही दें। आप हीरो बनने की सोचे नहीं कि आप सोचे मैं एक लाइन लिख दूं या 2 लाइन लिख दूं, मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ऐसा करने की नीड नहीं है। क्लियर है? केस स्टडी को जब आप करोगे तो एक बात ध्यान रखना, अगर केस स्टडी लॉन्ग आंसर के लिए आई हुई है, लॉन्ग आंसर आप जब भी लिखो, आप केस स्टडी का आंसर लिख रहे हो या आप डायरेक्ट क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, आंसर को जितना तोड़ सको उतना तोड़ो, मारना नहीं है आंसर को। यहां क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्लेन दिस और उसके फीचर्स एंड लिमिटेशन, तो मैंने आंसर क्वेश्चन बोला यहां पर 3 चीज, एक्सप्लेन, फीचर्स और लिमिटेशन। आप क्या करना, तीनों चीजों को एक पैराग्राफ में मत लिखना, तीनों चीज को अलग अलग, पहले आपको डिफाइन लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़ के या 2 लाइन छोड़ के लिमिटेशन, फिर एक लाइन या 2 लाइन छोड़ के फीचर। इससे क्या होगा, जो हमारे एग्जामिनर होते हैं, जो हम लोग होते हैं, तो हम जैसे आपने एक सामग्री लिख दी पूरी, इसमें हमने अंदाजा लगा लिया इतना लिखा है, चलो 4 मार्क्स दे दो या 3 मार्क्स दे दो, लेकिन जब हम टुकड़ों में आंसर लिखते हैं तो जो हमारा जो एग्जामिनर होता है वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि किसमें कितने मार्क्स अलॉट करे जाए, तो आपको ज्यादा से अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो लॉन्ग आंसर वाले ही, वो केस स्टडी की बात हो या डायट वाली बात हो, केस स्टडी की बात होगी तो आप जब भी केस स्टडी पढ़ोगे, पढ़ने के बाद जो पूछा वो लिखोगे, उसके बाद बीच बीच में क्या करोगे कि जो केस स्टडी आपको दे रखी है उनमें से कुछ लाइन उठा लेना, जिसे पढ़ के आपको लग रहा है कि यहां इस लाइन से ये फीचर मालूम पड़ रहा है, इस लाइन से इसकी बात हो रही है, उससे क्या होगा, एग्जामिनर और खुश होगा कि यहां अप टू द पॉइंट क्वेश्चन लिखा है। उसके बाद जैसा कि मैंने अकाउंट्स में भी बताया था कि जब आपकी कॉपी आएगी आपके पास तो मार्जिन रख लेना, यहां लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके क्वेश्चनिंग के लिए रहेगा, राइट हैंड साइड में आपको कुछ नहीं करना, सिंपली कुछ डिजाइन दे सकते हो, जैसे आपका एक क्वेश्चन खत्म हुआ तो एक डिजाइन ऐसे दे सकते हो,
या एक डिजाइन ऐसे दे सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी एक ड्राइंग कितनी अच्छी है। इससे क्या होगा भाई, थका हारा जो एग्जामिनर होता है, कॉपी चेक करने आता है घर से, वो ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहता, वो चाहता है कि जितनी जल्दी मैं तुम्हारी कॉपी चेक करके फ्री हो जाऊं उतना जल्दी मेरे लिए बेटर है। तो आंसर को जितनी जल्दी प्रेजेंट करोगे, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं एक लाइन लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम लिखा, आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है या ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, ये ज्यादा से आ रहा है ना, तो एग्जाम ना क्या करेगा, हाँ देखता जाएगा। अब ये करोगे तो वो थोड़ा दिमाग लगाएगा, या उसका माइंड थोड़ा सा खराब होगा, तो माइंड खराब कर दिया एग्जामिनर का तो बेटा वो आपकी कॉपी में फिर घुस जाएगा, नंबर काट देगा अच्छे खासे, तो जो आ रहे होंगे वो भी नहीं आ पाएंगे। तो इस ट्रिक को अच्छे से समझना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना, वीडियो शेयर।